हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नॉलेज ऑल अबाउट की इस वीडियो में। मैं हूं श्रवण पटवा। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी लोगों को ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। मोबाइल को चलाने से लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों आदि जगहों पर ईमेल आईडी सूचना भेजने एवं प्राप्त करने का आधिकारिक जगह बना लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्यूटर और मोबाइल से जीमेल पर नया आकर्षक ईमेल अकाउंट फ्री में कैसे बनाएंगे, यह मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल और कंप्यूटर के ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल के सर्च बॉक्स में क्रिएट जीमेल अकाउंट टाइप करना है। उसके बाद आपको account.google.com ऊपर में ही दिया होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट योर गूगल अकाउंट का एक फॉर्म दिखाई देगा, उसको आपको भरना होता है। भरने के लिए यहाँ पे यूजर नेम, आपको लेटर, नंबर एंड पीरियडिक्स का इस्तेमाल करना है। साथ ही पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर, जिसमें आपको लेटर, नंबर एंड सिंबल का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार आपको मैं यूजर नेम बना के दिखाई दे रहा हूँ। आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर और हेल्प ऐसा डाल सकते हैं, हेल्प की जगह पे ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। इस प्रकार करने के बाद आप टाइप कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे देखिए अवेलेबल में शो करेगा पूजा हेल्प 01, ऐसा करके आपको अवेलेबल में दिखाई देगा। आपको यदि पसंद आता है तो उस पर आप क्लिक करके बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे PS करके 7561098 जो दिखा दे रहा है, इस प्रकार का ईमेल आईडी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बनाएगा, क्योंकि आप को खुद से अच्छा नहीं लगेगा और सामने वाले को यदि कभी आप बताएंगे तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही ईमेल आईडी ज़्यादा बड़ा यूजर नेम नहीं बनाएगा, क्योंकि जब ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है तो वहाँ फॉर्म भरने के समय ईमेल आईडी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए शॉर्ट यूजर नेम बनाइए और यूनिक टाइप का बनाइए, ताकि किसी दूसरे को जब आप बताएंगे तो लगेगा कि सामने वाला पर्सन किस टाइप का है। तो इस प्रकार करने के बाद मैं अवेलेबल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इस पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई योर फोन नंबर, ईमेल आईडी बनाने के समय फोन नंबर जरूरी है, क्योंकि यदि आप फोन नंबर नहीं डालेंगे तो जब आप पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फोन नंबर जरूर डालिए। और आजकल बहुत सारा पासवर्ड हो जाता है तो आदमी भूल जाता है, इसलिए यहाँ पे फोन नंबर जरूर इस्तेमाल कीजिए। फोन नंबर डालने के बाद जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास गूगल से एक वेरिफिकेशन कोड जाता है जो 6 डिजिट का रहता है। उसमें जी के बाद 6 डिजिट दिया होगा, उसको आपको यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फोन नंबर ऊपर में फिर से दिखाई देगा ऑप्शनल। वो जो फोन नंबर आप डाले रहेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, मैं उसको यहाँ से हटा दिया हूँ। उसके बाद आपके पास पहले से रिकवर ईमेल एड्रेस है कोई, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, यहाँ पे जेंडर डालना होता है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे फोन नंबर पे बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा, मैंने यहाँ हटा दिया है, आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यस आई एम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसका गूगल का जो जीमेल का होता है टर्म एंड कंडीशन, उस पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है स्क्रॉल कर करके। उसके बाद आपका जो है ईमेल एड्रेस कंप्लीटली आपका बन गया है। अब आप जीमेल का जो भी फैसिलिटी होता है, यहाँ से यूट्यूब, जीमेल, मीट, ड्राइव, कैलेंडर, प्ले स्टोर, ये सब का आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यह मैंने आपको कंप्यूटर पे करके बताया है, इसको आपको मोबाइल से कैसे करना है यह मैं बताने वाला हूँ। मोबाइल से आपको करने के लिए मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को जब ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड के टॉप में आपको 3 डॉट बटन दिखाई देगा। इस तरह आपको 3 डॉट बटन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है गूगल क्रोम का सेटिंग इस प्रकार ओपन होगा। इसमें आपको एड टू होम स्क्रीन के नीचे डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद जो है जिस प्रकार इसमें पेज ओपन होकर दिखाया उसी प्रकार आपके मोबाइल में भी शो करेगा। तो आपको
इंटरनेट चलाने में या किसी पेज को ओपन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको आसानी से और फ्री में ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं बता दिया। साथ ही दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं आपको मिलता हूँ एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। और हर तरह के इसी तरह के मैं आपके पास लेकर आता हूँ चैनल के माध्यम से आपको बताने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना भूल जाते हैं आप लोग, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमारा जो मनोबल है वो और ऊंचा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।